फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे NTA विश्व भारती नॉन टीचिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बात करेंगे MTS का, LDC का, लैब अटेंडेंट का और UDC का। ठीक है, इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे, इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, आंसर की आने के बाद कट ऑफ में कितना घट सकता है, कितने बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी इस वक्त, तो पूरा एनालिसिस करते हुए चलेंगे। वीडियो कम्प्लीट देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितने, 709 टोटल वैकेंसी है। कुछ पोस्टों में बात करें 99 वैकेंसी LDC में दिखाई दे रहा है, जिसमें 35 की WPM की स्पीड मांगी गई है। तो इसमें अगर आपकी 99 वैकेंसी है, MTS में 405 वैकेंसी है, MTS में अच्छी खासी वैकेंसी नजर आ रही है यहाँ पे, और लेबोरेटरी अटेंडेंट में, यहाँ पे लैब अटेंडेंट में 45 वैकेंसी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी वैकेंसी यहाँ पे MTS की है, उसके बाद फिर वैकेंसी जो है वो 2, 5, 10, 8 ऐसे कुछ वैकेंसी यहाँ पे नजर आ रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनका, जो सबसे बात करेंगे LDC, MTS और लैब अटेंडेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह क्या सकता है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पेपर के लेवल की बात करते हैं, जो एग्जाम का लेवल हमें देखने को मिला, चाहे वो LDC में हो चाहे वो लैब अटेंडेंट में हो, अगर हम इन पेपर के लेवल की अगर बात करें ना, पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा हमें टफ देखने को मिला है। जैसे हमें NTA JNU का पेपर देखने को मिला था, उसी टाइप का आप कह सकते हो, उसी लेवल का पेपर हमें विश्व भारती में भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे पेपर का लेवल हम कहेंगे मॉडरेट है। जी हाँ, मैथ्स थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेटिव, थोड़ी सी हार्ड पूछी गई है। एवरेज बच्चों के जो मार्क्स आ रहे मैथ्स में, वो कहीं ना कहीं 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सिर्फ 28 हो रहे हैं, किसी के 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी के 30 क्वेश्चन इस प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा रहा है मैथ्स का। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी हार्ड पूछा गया है। GA थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं, जिसको आता था GA उड़ा दिया, जिसको नहीं आता वो नहीं किया, मॉडरेट हम कह सकते हैं GA मॉडरेट था यहाँ पे। अब बात करता हूँ, देखो यहाँ पे हमने कुछ पोल करवाया, तो उस पोल के जरा देख लेते हैं। NTA विश्व भारती लैब अटेंडेंट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वीडियो कम्प्लीट देखना, पोस्ट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ, वीडियो कम्प्लीट देखें। अच्छे खासे वोट आए थे, अगर हम वोट की बात करें तो यहाँ पे 700 वोट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक दिन 24 से 48 आवर्स से इस वक्त हो चुका है इस चीज को। ठीक है, 90 से लेकर 100 के बीच 49%, मतलब है कि 49% लोगों का कहना है कि उनके जो मार्क्स है वो 90-100 के बीच, मतलब 90 से 100 के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सॉरी मार्क्स नहीं है, 90 से 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यहाँ पे बोला था मैंने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 90 से 100 के बीच आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे NTA विश्व भारती LDC में अभी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 90 से लेकर 100 की भी 46% स्टूडेंट कह रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन आंसर के आने के बाद जो सिनेरियो चेंज होता है, जैसे NTA JNU में भी देखने में किसी के यहाँ पे 95 क्वेश्चन सही हो रहे उस टाइम, तो जब आंसर किया है तो उस बच्चे के 85 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 80 क्वेश्चन सही हुए, किसी के मार्क्स घट गए, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, NTA विश्व भारती MTS में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अभी MTS का एग्जाम 3 जुलाई तक चलने वाला है, तो अभी देखो 90 से लेकर 100 के बीच आप इसमें संख्या देखिए 50%, मतलब अधिकतर आप देखेंगे चाहे वो LDC में हो, चाहे आपका UDC हो, चाहे लैब अटेंडेंट हो, चाहे MTS हो, सब में 90 से 100 के बीच यहाँ पे पोलिंग देखने को मिली है पोलिंग स्टेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, से हमें और थोड़ा पता लगे। देखो सब्जेक्ट वाइज बात करो, जो हमें एवरेज देखा है हमने, जैसे अगर हमने एवरेज पूरे देखे LDC MTS और इनमें देखे हैं, तो कम से कम 1800 लोगों के हिसाब से जो वोट पड़ा है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं 1800-2000 के हिसाब से। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में बात करें 30 में से 12 से 13 क्वेश्चन एवरेज इन राइट हो रहे हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, मैथ में हो सकता है 28 क्वेश्चन, मैंने इसको मान लिया है 28 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी में बात करूं 18 क्वेश्चन, और कंप्यूटर में बात करूं यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन। कुल मिलाकर अगर एवरेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 95 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच यहाँ पे एवरेजली राइट हो रहे हैं UR कैटेगरी में, जो UR कैटेगरी के बच्चे हैं उनके राइट हो रहे हैं, बाकी OBC SST में इसे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। अब बात करता हूँ कि इसमें कट ऑफ क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTS का, जो MTS जिनका एग्जाम चल रहा है, MTS का जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट है, जी हाँ 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं इस वक्त, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है पूरी तरीके से। OBC 85 क्वेश्चन पे राइट हो सकता है, EW 88 क्वेश्चन राइट पे, SC 80 और 76 ST क्वेश्चन राइट पे हो सकता है। चलिए LDC की बात करते हैं, LDC में वही है कि नंबर ऑफ वैकेंसी फैक्टर है, नंबर ऑफ वैकेंसी में 95 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच आपको राइट करना है, अगर आपके इतने क्वेश्चन राइट आ रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। OBC 90, EW 92, SC 88 और ST 85 के साथ कट ऑफ आपकी देखने को मिल जाएगी।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे लैब अटेंडेंट का, लैब अटेंडेंट की कटऑफ की बात को, लैब अटेंडेंट कटऑफ यही है कि आपके कम से कम 100 क्वेश्चन कम से कम राइट होने चाहिए। अगर आपके इससे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आफ्टर आंसर की के बाद पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं, उसके बाद हम एक एवरेज ऑफ आइडिया पता लगवाएंगे कि कितने बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं गूगल फॉर्म भरवा के, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिए 100 क्वेश्चन कम से कम आपको लैब अटेंडेंट राइट करने हैं, अगर आपके इतने हो रहे हैं इससे थोड़े बहुत कम हो रहे चल सकता है, प्लीज अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट।